इसराइल और मुस्लिम देशों में टकराव कोई नई बात नहीं है। 80 से 90 के दशक के बीच मुस्लिम देशों और इसराइल में टकराव होते रहे हैं। अब एक बार फिर विश्व समुदाय में एक नया बिंदु टकराव का कारण बनता दिख रहा है। नया टकराव ईरान और इसराइल के बीच दिख रहा है। इसका कारण ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक और वहां के परमाणु बम के जनक मोहसिन फखरीजादेह की तेहरान में दिनदहाड़े जान लेना है। इस कांड ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। इसका असर न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मध्य एशिया की शांति प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। इस मामले के बाद इसराइल और ईरान के संबंधों के समीकरण भी बदलेंगे। ये बात सिर्फ ईरान और इसराइल तक नहीं रुकेगी, इसकी आंच अमेरिका तक पहुंचेगी। ऐसे में हर दर्शक के मन में एक जिज्ञासा जरूर पैदा होती है कि आखिर कौन है परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि ईरान इतना व्याकुल हो गया है? मोहसिन ईरान के सबसे प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे। मोहसिन को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता था। उन्होंने ईरान के तथा कथित परमाणु हथियार अमाद या होप कार्यक्रम का नेतृत्व किया। पश्चिमी देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार वो ईरान में बहुत ही ताकतवर थे। ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोहसिन की तुलना जे रॉबर्ट ओपनहाइमर से की थी। ओपनहाइमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे ताकतवर मैनहट्टन परमाणु परियोजना की अगुवाई की थी। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोहसिन की जान जाने से इसराइल और ईरान के बीच टकराव क्यों होने वाला है। मोहसिन हमेशा इसराइल के निशाने पर रहे हैं। इसराइल ने 2018 में ये दावा किया था कि मोहसिन ने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। 2018 में ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि इस नाम को हमारे देशवासी जरूर याद रखें। ये कांड ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ दिन पहले ही इसराइल के पीएम, अमेरिका के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के राजकुमार ने एक गोपनीय बैठक की थी। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की जान लेने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2010 और 2012 के बीच ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिकों की जान ले ली गई थी। उस समय भी ईरान ने इस घटना के लिए इसराइल को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। अब एक बार फिर ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस घटना के लिए इसराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना का बदला लेंगे। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि मोहसिन निश्चित रूप से अहम शख्सियत थे, ऐसे में इसराइल के ऊपर शक जाना जाहिर है। ये बात यही नहीं रुक रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता परिवर्तन के साथ ईरान को लेकर इसराइल की चिंता बढ़ गई है। इसराइल की ये चिंता अनायास नहीं है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि सत्ता में आने के बाद वो ईरान परमाणु समझौते की वापसी करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद ही इसराइल की चिंता बढ़ी है। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते की मुखालफत करते हुए इस करार से अमेरिका को अलग कर लिया था। इस दौरान ऐसी भी चर्चा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे थे। अमेरिका में सत्ता में बदलाव के साथ ही ईरान के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव के संकेत हैं। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की जान जाने के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जरूर धक्का लगेगा। इससे इसराइल ने राहत की सांस ली होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।